पटना से एक खबर है जहां पर कुछ ही देर पहले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे। हालांकि डिप्टी सीएम के पद को लेकर अभी तक सुशील मोदी के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। राजनाथ सिंह से कई बार ये सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि सही वक्त आने पर इसका भी जवाब मिल जाएगा। उधर कल शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार बिहार के सीएम पद की शपथ 7वीं बार लेने जा रहे हैं। एनडीए विधायक दल के नेता का निर्वाचन हुआ है और श्री नीतीश कुमार जी सर्वसम्मत एनडीए विधायक दल के नेता निर्वाचन, भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक दल के नेता के श्री तारा किशोर जी निर्वाचित हुए और उप नेता के रूप में फैसला होगा तो आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी। कोई देरी नहीं है राजनाथ जी, कोई डिप्टी सीएम होगा सभी को जानकारी मिल जाएगी। डिप्टी सीएम होंगे कि नहीं होंगे, डिप्टी सीएम होंगे कि नहीं होंगे, जो भी होगा आपको समय पर जानकारी दे दी। सुशील मोदी जी सर होंगे कि नहीं सर, सुशील मोदी जी। राजनाथ सिंह के लिए मुश्किल हो रहा था इस सवाल का जवाब देना, क्योंकि ठीक दाहिनी तरफ सुशील कुमार मोदी मौजूद थे, जो कि अब तक बिहार बीजेपी में जितनी बार सरकार बनी वही डिप्टी सीएम बनते रहे हैं। ऐसे में क्या इस बार चेहरा बदल देगी बीजेपी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उधर नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग गई है, लेकिन डिप्टी सीएम पर जैसा कि राजनाथ सिंह के जवाब से आपने सुना, सस्पेंस लगातार बना हुआ है। राज्यपाल से मिलकर बाहर निकले नीतीश कुमार ने भी सुशील मोदी के सवाल को टाल दिया। विधानमंडल दल की बैठक हो गई, उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। इसके बाद हम लोग बैठ और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, कल 4:30 बजे जो भी होगा आफ्टरनून में होगा, और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे इन सब चीजों के बारे में अब निर्णय होगा। सुशील मोदी भी शपथ लेंगे तो सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा। तो डिप्टी सीएम के सवाल को टाल गए नीतीश कुमार। वैसे आपको बता दें 243 सदस्य विधानसभा में 15% मंत्री हो सकते हैं, यानी कि कुल 36। माने यही जा रहा है कि इसमें बीजेपी की भूमिका इस बार मंत्रिमंडल में कहीं ज्यादा बड़े भाई के तौर पर दिखेगी। सीधे रुख कर लेते हैं पटना का, जहां से इस वक्त हमारे साथ रोहित सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, ये जो डिप्टी सीएम का पेच है ना, अब तक तो हर जगह जब भी विधानसभा चुनाव होते थे और इलेक्शन में यही सवाल पूछा जाता था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या नीतीश ही बने रहेंगे, बिहार में भी ये सवाल बार बार खड़े हुए, लेकिन अब डिप्टी सीएम को लेकर इतना ज्यादा पेच क्यों फंस गया है? ये देखिए, साफ बात है 2005 से लेकर 2020 तक जो नीतीश मोदी की जोड़ी थी वही सब बिहार में सरकार का नेतृत्व कर रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी जिस तरीके से ज्यादा सीटें जीत कर आई है, जेडीयू से 74 सीटें, उसके बाद अब ऐसा लगता है कि सुशील मोदी का डिप्टी सीएम फिर से बनना उनके लिए मुश्किल है। इस बार सस्पेंस भी इस पर है, कोई कुछ भी साफ बोलने को तैयार नहीं है, चाहे वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर नीतीश कुमार खुद, क्योंकि इस पर कोई अपने स्थिति स्पष्ट करने को तैयार नहीं है कि क्या सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या फिर नहीं लेंगे। चर्चा इस बात की भी चल रही है कि सुशील मोदी अगर यहां पर डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं तो क्या वो दिल्ली की राजनीति यानी कि केंद्र की राजनीति में शिफ्ट किए जाएंगे बीजेपी के द्वारा, इस बात की भी चर्चा चल रही है। लेकिन फिलहाल सुशील मोदी की क्या भूमिका होगी नीतीश सरकार में, जो कि 15 साल से नीतीश के साथ काम कर रहे हैं, इसको लेकर अभी तक सस्पेंस जो है बरकरार है। यहाँ पर तीन बड़ी बातें रोहित, अगर हम अपने दर्शकों को बताएं कि अगर सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाकर किसी और चेहरे को आगे करती है बीजेपी तो उसके बारे में जाइए नहीं है। नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी एक दूसरे के करीब ज्यादा है, बीजेपी के नेता सुशील मोदी को लेकर कई बार इस पर सवाल भी खड़े करते रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह, जिस तरह से तेजस्वी यादव उभर कर सामने आए हैं, 68 साल के हो चुके हैं सुशील मोदी, भविष्य में एक युवा चेहरा भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, इस वजह से भी चेहरा बदलना उसको जरूरी लगता है। सत्ता विरोधी लहर का सामना जिस तरह से 15 सालों का
नीतीश कुमार ने किया है। माना जा रहा है कि चूंकि डिप्टी सीएम के तौर पर सुशील मोदी भी एक चेहरा थे, इस वजह से भी चेहरा बदलकर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ हो और अपने भविष्य की राजनीति को लेकर बिहार में आगे बढ़ना चाहती है बीजेपी। इस लिहाज से भी वो एक युवा चेहरे को देना चाहती है ताकि आक्रामक तरीके से वो बीजेपी बिहार में अच्छा कर सके। क्या ये तमाम वजह मानी जा सकती है रोहित, जिसको लेकर अब बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है? यही कारण रहा क्योंकि कोई दूसरी वजह नजर नहीं आती। अगर राजनाथ सिंह के साथ सुशील कुमार मोदी राजभवन जाते हैं, राज्यपाल से मुलाकात करते हैं और राजनाथ सिंह मीडिया के सामने सुशील कुमार मोदी की मौजूदगी में ये कहते हैं कि डिप्टी सीएम को लेकर कोई भी फाइनल फैसला नहीं है। देखिए, सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं, इसकी जो है खबर उस वक्त मिल गई थी जब नीतीश कुमार एक अणे मार्ग से निकलकर तमाम नेताओं के साथ राजभवन गए थे सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए, लेकिन सुशील मोदी उनके साथ नहीं थे। सुशील मोदी राजनाथ सिंह के साथ अणे मार्ग से निकले और वो स्टेट गेस्ट हाउस गए, तो वहीं कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है, शायद सुशील मोदी का पत्ता जो है वो कट चुका है और इसीलिए वो नीतीश कुमार के साथ राजभवन नहीं गए हैं, राजनाथ सिंह के साथ स्टेट गेस्ट हाउस गए हैं।